हेलो गाइस, मैं कैसे हो। आज के वीडियो में हम SVP श्रेयस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखेंगे। तो ये कॉलेज का फीस कितना है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज का कट ऑफ कैसा है, कॉलेज में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए गए हैं हर एक ब्रांच को लेके, फीस कैसा है इस कॉलेज का, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, एंड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग कॉलेज, इस वीडियो में हम देखेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले गाइस, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2008, लोकेटेड इन औरंगाबाद, प्राइवेट कॉलेज है ये, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। तो नॉन ऑटोनॉमस का ये है मतलब कि जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट्स है, एग्ज़ाम के जो भी आपके सिलेबस होगा, वो कॉलेज खुद नहीं, वो कॉलेज का यूनिवर्सिटी जिससे कि वो अफिलिएटेड है वो डिसाइड करेगा। और ये कॉलेज जो है वो अफिलिएटेड है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। सो यस, ये है अफिलिएशन विद दिस यूनिवर्सिटी। अनएडेड कॉलेज है ये, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है गाइस। सो मतलब यहाँ पर कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको जो है वो देखने नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, सो प्रोवाइड्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech डिग्री प्रोवाइड करेगा आपको ये, विच इज़ अ प्लस पॉइंट अबाउट दिस कॉलेज। क्योंकि महाराष्ट्र में देखा जाता है कि इतना आपको बैचलर्स लाइक BTech देखने नहीं मिलता है, टॉप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में ही देखने मिलता है, बट BTech प्रोवाइड कर रहा है विच इज़ अ गुड थिंग। AICTE अप्रूव्ड बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो मतलब यहाँ पर जो भी ये BTech डिग्री है वो आपका AICTE अप्रूव्ड होने वाला है। सो टोटल इनटेक है यहाँ पर 420 प्लस, मतलब 420 प्लस स्टूडेंट्स इस कॉलेज में आएंगे। एंड यस, अब हम देखते हैं कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है कॉलेज। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेगा एक कॉलेज आपको, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड यस, दिस वे आर ऑल अबाउट कोर्सेस। अब हम देखते हैं कट ऑफ, जो भी हमने कोर्सेज देखे उसका क्या कट ऑफ था लास्ट टू ईयर्स का, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दिखेगा 2021 का कट ऑफ होगा, और जो वाइट में आपको दिखेगा 2022 का कट ऑफ होगा। दो साल का कट ऑफ आपको मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन करने के लिए हेल्प होगा कि लास्ट ईयर से जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में काफ़ी अच्छा गया है, और ये भी मतलब हो सकता है कि कॉम्पिटिशन उस ब्रांच में बढ़ा है। बट वही चीज़ अगर उल्टा हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स उस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर, तो प्रीवियस ईयर से बढ़ा है, 64% हुआ है। एंड ये कॉलेज जो है गाइज, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स लोगों का नहीं आता है 80 के ऊपर परसेंटाइल, जैसा कि आपको पता है 95-96% सब नहीं ला पाते। तो जिनका भी 65-64-60 के रेंज में, उनके लिए कॉलेज काफ़ी अच्छा है जो कि औरंगाबाद में रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, कोई स्टूडेंट्स लोगों का मैसेज आ सकता है कि आप औरंगाबाद क्यों बोल रहे हो गाइज, जो DTE जो कि एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज का जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपडेट करते हैं अपने वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी औरंगाबाद ही लिखा है। MSTCET के ऑफिशियल सेल के जो वेबसाइट है वहाँ पर भी औरंगाबाद ही लिखा है। तो अगर जब नाम चेंज होगा तब आप देखोगे कि टाइटल और थंबनेल में भी मैं औरंगाबाद हटा के जो भी नाम संभाजी नगर होने वाला है वो मैं रख दूंगा। तो इसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस अगर हम देखें तो 50.9। अब ये डाउट होगा कि यहाँ पर परसेंटाइल क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2022 में ही कोर्स ऐड किया गया है, इसके लिए 2021 का आपको कट ऑफ देखने नहीं मिलेगा। गुड फील्ड इट इज़ डाटा साइंस, और आपको जानना है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो भी ब्रांचेस है AI ML डाटा साइंस, इसमें डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर अगर हम देखें 38.5 हो गया है फ्रॉम 5%, विच इज़ अ गुड थिंग गाइस, क्योंकि लास्ट ईयर 5% था, और 5% 10% सिंगल डिजिट % अगर कट ऑफ है तो मैं तो वही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि आप इस कॉलेज में, इस ब्रांच में एडमिशन मत लो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें 25% हो गया, सिविल इंजीनियरिंग 1.7% है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करना ही है और आपका मार्क्स अगर अच्छा है तो आप और कोई कॉलेज में देख सकते हो, क्योंकि
वन परसेंटाइल गाइज एक ऐसा रेंज है कि अगर आप तुक्का भी मार के आओगे सीईटी से तो भी आपको 20-30 परसेंटाइल के ऊपर आने वाला है। तो यस, ये आपको याद रखना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें 10 परसेंटाइल हो गया फ्रॉम 0.4। तो यस, सिविल कोर ब्रांचेस का यही हाल है गाइज कि कट ऑफ बढ़ नहीं रहे इतने, लोग एडमिशन नहीं ले रहे, तो ये आपको चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी हमने कोर्सेज देखा उसके कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर टोटल, कैप सीट्स हैं आपके 60 और नो इंस्टीट्यूट सीट्स। तो इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोई स्टूडेंट या कोई आपका दोस्त है कि मैंने मैनेजमेंट कोटा, मैंने डोनेशन भर के एडमिशन लिया, तो वो इंस्टीट्यूट सीट्स में आ जाता है आपका। तो यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट कि जो भी आपको स्टूडेंट दिखेंगे वो कैप सीट्स के द्वारा ही मिलेंगे। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट सीट्स हो, पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटी सेल के हैं, इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है यहाँ पर, और नहीं होगा क्योंकि नहीं तो उनको मेंशन करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है 60 सीट, मैकेनिकल में भी है 120 सीट्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इसमें है इंस्टीट्यूट सीट्स विच इज़ 12 और कैप सीट्स है 48। सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें कैप सीट्स है 120। एंड यस, दिस वॉज ऑल अबाउट सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि फीस कैसा है इस कॉलेज का। तो फीस की बात करें 68,000 फीस है, वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज कि फीस जो है वो काफ़ी कम है इस कॉलेज का। एंड इसके हिसाब से जो आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा वो 2.75 लाख के अराउंड हो जाएगा। अगर आप 3 लाख भी पकड़ के चलोगे तो भी बहुत कम है फीस, क्योंकि अगर आप देखोगे लाइक मुंबई के ही मैं कॉलेजेस के बात कर देता हूँ, मुंबई, नवी मुंबई, तो वहाँ पर 1 लाख के नीचे किसी का भी कोई भी कॉलेज का फीस नहीं, एक्सेप्ट VGTI विच इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज विच यू कैन गेट फ्रॉम MHT CET। एंड यहाँ पर अगर हम देखें और चीज़ें, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, मतलब ब्रांच वाइज आपका कैसा फीस होने वाला है वो आप देख सकते हो। सो यस, ये है गाइस, एंड ऑल द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आर अवेलेबल एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स SC ST माइनॉरिटी। तो जो भी है यहाँ पर SC ST, ये सब जो भी आपके कास्ट में आ जाते उनके लिए फीस जो है वो रिडक्शन आपको देखने मिलेगा, बट कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो मेंशन नहीं था कि रिडक्शन कितना है फीस में। नेक्स्ट अगर हम देखें रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, तो ये सारे रिक्रूटर्स हैं गाइज, जो भी आपको रिक्रूटर्स दिख रहे हैं वो मास रिक्रूटर्स ही देखने मिलेंगे, इन्फोसिस, टाटा, TCS। एंड ये है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लेसमेंट, तो यहाँ पर अगर हम देखें हाईएस्ट सैलरी था 10 लाख पर एनम का इस कॉलेज में, एवरेज आपका 3.3 LPA के अराउंड जाता है। तो एवरेज आपका 3 पकड़ के आप चलो, हाईएस्ट पैकेज जा रहा है 10 LPA। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यार 15-20 लाख क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि होता है कोई कोई स्टूडेंट्स लोगों का, तो आप ये भी देखो कि परसेंटाइल काफ़ी कम है इस कॉलेज का, प्लस फीस भी कम है। तो ये सारे चीज़ें आपको मिलेंगे नहीं, अगर आपको चाहिए इतने ऑन कैंपस इतने बड़े प्लेसमेंट आना 15-20 LPA तक, तो आपको उसके हिसाब से लाइक 97-98% भी लाना पड़ेगा। स्टूडेंट रिव्यू एक देखते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम 7th सेमेस्टर कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ विल ओपन फॉर स्टूडेंट, इन्फोसिस, टाटा टेक, विप्रो विद गुड पैकेज, 80% स्टूडेंट विल पेस थ्रू कैंपस। मतलब 80% इसका मतलब ये कि 80% लोग जो है वो प्लेस हो जाते हैं, और 7th सेमेस्टर मतलब 4th ईयर का जो आपका पहला सेमेस्टर होता है वहीं से आपका जो है प्लेसमेंट जो है वो चालू हो जाता है। तो ये था प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का। तो बेसिक जो भी आपको चाहिए, जैसे हॉस्टल है, क्योंकि औरंगाबाद में है कॉलेज तो हॉस्टल आपको देखने मिलेगा, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नाइट फैसिलिटीज़ है। एंड दिस इज़ हाउ द कॉलेज विल लुक, श्रेयस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। And yes, this is your campus view. This is the lab facilities which you will get, a computer lab. This is the classroom. And infrastructure and facilities wise भी काफ़ी अच्छा है कॉलेज। कंक्लूजन की बात करते हैं कि कैसा है कॉलेज है, तो सबसे पहली बात, औरंगाबाद के जितने भी टॉप कॉलेज है उनके ऊपर मैं अब वीडियो बनाने वाला हूँ, 5 to 6 कॉलेज मैंने कलेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाकर कॉलेज पर आप देख सकते हो, वहाँ पर मैं बना दूंगा औरंगाबाद का एक प्लेलिस्ट, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, जो भी सिटीज़ हैं उनके ऊपर, तो आप वो चेक करके कंपेयर कर सकते हो। बट यही कॉलेज का पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये कॉलेज किसके लिए अच्छा है पहले बात हम वो देख लेते हैं, और किसके लिए नहीं अच्छा है वो भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये उनके लिए अच्छा है जिनको कि कंप्यूटर साइंस करना है और उनका परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं आया, उनके लिए अच्छा है। इनके लिए अच्छा है जो कि फ़ीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। क्योंकि फ़ीस अगर आप लोन भी ले रहे हो स्टूडेंट लोन, तो भी आपको इतना ज़्यादा बर्डन या लोड महसूस नहीं होगा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। एंड इनके लिए अच्छा है जो कि यहाँ पर औरंगाबाद में ही रहते हैं और जिन्हें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। और ये अगर मैं डिस्कस करूँ कि किसके लिए अच्छा नहीं है, तो जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे कोई कॉलेज से, उनके लिए अच्छा नहीं है। प्लस जिन्हें अच्छा परसेंटाइल है, अगर 80 के ऊपर या 70 के ऊपर है, तो इससे अच्छे कॉलेज जो है वो अवेलेबल है, जो कि आप कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। मैंने कॉलेज रिव्यू जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनके ऊपर वीडियो बनाया। सो यस, दिस वॉज ऑल द कंक्लूजन विच आई वॉन्ट टू गिव यू अबाउट दिस कॉलेज। एंड यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि मैं भी एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और ये सारे पॉइंट्स निकालने के लिए, इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, जो कि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइम निकालना कितना हार्ड हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।